लालकुआ में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पूर्व सैनिक संगठन बिंदुखत्ता के पदाधिकारियों ने शहीद स्मारक पर एकत्र होकर भारत के वीर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूर्व सैनिक ने कारगिल की शौर्य गाथा भी सुनाई। इस दौरान कार्यक्रम में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। वहीं पूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष खिलाफ सिंह दानू ने कहा कि कारगिल शहीदों ने किन परिस्थितियों से लड़ते हुए 26 जुलाई 1999 को विजय हासिल की, जिसमें हमारे देश के सैकड़ों जवान शहीद हुए। उन्हें बलिदान को देश हमेशा याद करेगा। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाने का हमारे इंडियन आर्मी का बहुत बड़े गौरव वाले दिन है, इसलिए हमने पूर्व सैनिकों ने यह निर्णय लिया कि हम कारगिल दिवस हर्ष और खुशी से मनाएंगे। जितनी भी जो भी कार्रवाई होती थी वो रात के दौरान होती थी, फिर हमने दिन प्रतिदिन हमने अपने पोस्ट लेते गए और उनके जवान शहीद होते गए, हमारे भी शहीद हुए। लास्ट में उनकी इतनी बुरी हालत हुई कि उनके इतनी डेड बॉडियां वहां पर पड़ी रही, जिनको हमने वहां पर वहीं पर वो अपनी डेड बॉडियां भी नहीं ले गए पाकिस्तान वाली, और लायक को हमारा यानी कि विजय घोषित कहकर।